साथ मौजूद है राज्य मंत्री अर्चना पांडे जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्री बनने के बाद विकास को लेकर के क्या तैयारी है आपकी। देखिए, विकास को लेकर के जहाँ तक तैयारी की बात रही, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो तैयारी तो हम लोगों की पूरी है, अवसर अब मिला है और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। रही बात महिलाओं की, चूंकि मैं महिला हूँ तो निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य और जो विशेष तौर पर मुझे पेयजल की समस्या दिखाई पड़ती है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देखती हूँ महिलाएं 15-15 किलो का एक डिब्बा लेकर के घूमती हैं पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए, उसको पूरा करने का प्रयास। महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा हमेशा से ही रहा है, जिसको बीजेपी ने भी उठाया है, तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है बीजेपी को? स्वाभाविक, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ही पूरी ध्वस्त है और उसको पूरा ठीक करने का और विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा पर हम सब लोग मिलकर के पूरी चिंता करें। कर्ज माफी का मुद्दा हमेशा उठाया है बीजेपी ने और मोदी जी ने, तो क्या आपको लगता है कि सबसे पहले ये स्टेप लेना जरूरी है कर्ज माफी की? ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पर जब हम सब इकट्ठे बैठेंगे तो बात करेंगे। क्षेत्र कौन सा होगा जो आप जिस पे काम करना चाहेंगी विकास के लिए, क्योंकि विभाग बाद में बटेंगे लेकिन जो इच्छा होती है इस क्षेत्र में ज्यादा काम करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोगों की इच्छा नहीं होती है, हम लोग अपने पार्टी के निर्देश पर काम करते हैं। हम लोग उस फौज के सिपाही हैं जो आदेश मिल जाता है, रेल, जेल, सड़क क्षेत्र, उसमें काम करते हैं और वही काम करेंगे। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तैयारी की जाएगी, फिर चाहे वो रेल, जेल, सड़क या फिर सुरक्षा, हर क्षेत्र में वो बेहतर काम करेंगी। अमित के साथ अनामिका, एपीएन लखनऊ।